आज इतने सालों बाद इंडिया आया हूँ, इतना बड़ा डील फाइनल करने जा रहा हूँ, क्यों ना एक बार अष्टविनायक मंदिर जाकर बप्पा के दर्शन कर लें। ड्राइवर, आपको अष्टविनायक मंदिर का रास्ता पता है? जी सर, पता है ना। हाँ तो पहले वहीं चलेंगे। जी सर। ड्राइवर, क्या हुआ? सर, इंजन में कुछ प्रॉब्लम है। मतलब इसे ठीक होने में टाइम लगेगा। ऐसा करता हूँ, आपके लिए दूसरी गाड़ी मंगवा देता हूँ। नहीं नहीं, दूसरी गाड़ी मत मंगवाओ, मैं ट्रेन से चला जाऊंगा। सर, सर आप ट्रेन से? जी हाँ, चिंता मत करो, मैंने पहले भी ट्रेन में सफर किया है। तुम्हें काम करना, गाड़ी जैसे बन जाती है मुझे फोन करना, मैं जहाँ भी होऊंगा तुम्हें वहाँ बुला लूंगा। जी ओके सर। तेरे बाबा को आने दो, उससे परमिशन ले, फिर चली जाना। अजी प्लीज। दिमाग खा रही है मेरा? भाई का रास्ता उभा यार? नहीं मला तिकडे जायचंय म्हणून। अरे तुला जायचंच आहे तर मधी कशाला उभा यार? धक्का लागते, सॉरी पण बोलत नाही माणसे यार। सॉरी सॉरी। एक वक्त था जब मेरी भी जिंदगी इसी रफ्तार से दौड़ा करती थी। ये भीड़, ये भगदड़, ये नोकझोंक कभी मेरी भी जिंदगी का अटूट हिस्सा हुआ करते थे, और आज आज वो सब कुछ कितना पीछे छूट गया है, और मैं कितना आगे निकल गया हूं। अभी तो ट्रेन आने में काफी वक्त है, वंदू को फोन कर लेता हूं।
हेलो बंधु, मानव दादा बोल रहा हूँ। कैसी है तू? मैं अच्छी हूँ दादा। कहाँ है तू? मैं वो मुन्नी की सहेली की शादी में सोलापुर आई हूँ। कोई बात है क्या दादा? नहीं नहीं नहीं, कोई बात नहीं थी, कोई खास बात नहीं थी, बस ऐसे ही फोन किया था। अच्छा मुन्नी की पढ़ाई कैसे चल रही है? अच्छी चल रही है दादा। अच्छा ठीक है, तू अपना ख्याल रख। जी दादा। मैं बाद में फोन करता हूँ तुझे।
रहा है? तेजू, इस वक्त नॉर्मल लोग सोने की तैयारी करते हैं। वैसे तुझे तो नींद नहीं आ रही होगी, एज यूजुअल। एब्सोल्युटली राइट। तुझे पता क्या, मैं जब भी सोने की कोशिश करती हूँ ना, मुझे याद आने लगता है कि मैं इंडिया में, इंडिया के सपने देखती हूँ मैं, कि मैं इंडिया में किसी से जोर जोर से झगड़ा कर रही हूँ और सड़क के किनारे वड़ा पाव खा रही हूँ। तेजू, तू बिल्कुल पागल है। अरे, इस उम्र में लड़कियां लड़कों के बारे में, अपने बॉयफ्रेंड्स के बारे में और रोमांस के बारे में सपने देखती हैं, और तू इंडिया और वड़ा पाव? What's wrong with you? अरे सुन ना, तुझे पता क्या है, आज ही ने ना मुझे इंडिया के बारे में सब कुछ बताया, वहां पे घूमने से लेके खाने तक की स्पेशलिटी के बारे में। एक बार इंडिया जाऊंगी ना, सब कुछ ट्राई करने वाली हूँ मैं। ओबी, मैं तुझसे इतनी इंपॉर्टेंट बात कर रही हूँ, तू है कि अपनी दुनिया में मगन है, जरूर उस अर्जुन के बारे में सोच रही होगी, है ना? अर्जुन के बारे में नहीं, मैं बाबा के बारे में सोच रही हूँ। क्या वो भी तो इंडिया गए है ना, तो कहीं वो उस औरत से मिल गए तो उन्हें तो वहां संभालने वाला भी कोई नहीं है। मुझे बहुत टेंशन हो रही है। तू चिंता मत कर, ऐसे कोइंसिडेंसेस ना सिर्फ बॉलीवुड के फिल्मों में होते हैं, रियल लाइफ में ऐसा कुछ नहीं होता है। और मुंबई इतनी बड़ी है, मुझे नहीं लगता कि बाबा का और उस औरत का आमने सामने आना भी पॉसिबल होगा। हो सकता है कि वो औरत इस समय मुंबई में हो ही ना, ये भी हो सकता है कि वो औरत अब इस दुनिया में ही ना हो। और वैसे भी ना, आज ही ने बाबा को फोन किया था, एक दिन के लिए इंडिया गए, बाबा जल्दी वापस आ जाएंगे। इसीलिए तू अपने छोटे से दिमाग पे ज्यादा लोड मत ले और सो जा अभी। वेलकम टू आवर ऑफिस सर। वेलकम टू इंडिया। प्लीज कम। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। ये हैं हमारे बॉस, देखने में तो बड़े भले हैं। अक्सर कुछ लोग दिखते कुछ और हैं और होते कुछ और हैं। इनका असली रूप तो इनके साथ काम करने के बाद ही पता चलेगा। आइए, प्लीज कम ओवर हियर। तो ये हमारा अकाउंटिंग रूम, यहाँ आप प्लीज मेरा काम कीजिए। जी, जिन जिन लोगों को टर्मिनेशन लेटर इशू किया गया है उन्हें एक एक करके अंदर भेज दीजिए, मैं उनसे पर्सनली बात करना चाहता हूँ। श्योर सर। प्लीज आइए सर। थैंक यू। लिसन एवरीबॉडी, यहाँ के जितने भी एम्प्लॉयज को टर्मिनेशन लेटर इशू किए गए हैं, हमारी कंपनी के नए ओनर उनसे पर्सनली बात करना चाहते हैं। मैं आप सब लोगों के नाम पुकारूंगा, आप लोग एक एक करके जाइए और उनसे मिलिए, हो सकता है आप लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। मिस्टर निलेश पंचाल। बॉस तो बहुत अच्छे इंसान है, उन्होंने तो हमारा टर्मिनेशन कैंसिल कर दिया। जी। मिस्टर दीपक त्यागी। अरे क्या हुआ? मेरी भी नौकरी बच गई, अब थोड़ी देर वहीं से बात कर। मिसेस अर्चना देशमुख। मैं संभाल लूंगी, तो यहीं रुक। कम इन। सही, हमारी कंपनी की बहुत ही काबिल और आपने आज तक जो कुछ भी इस कंपनी के लिए किया है उसकी हम कद्र करते हैं, और मेरा यकीन मानिए कि हम ना ही
आपके आज के साथ ना इंसाफी होने देंगे और ना ही आपके आने वाले कल के साथ। वैसे क्या नाम है आपका? मैं नहीं जानता कि आपकी मेरे बारे में या मेरी कंपनी के बारे में क्या राय। लेकिन मैं अपनी तरफ से आपसे कुछ कहना चाहता हूं। मैं उन लोगों की बहुत रिस्पेक्ट करता हूं जो मेरे लिए काम करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपसे माफी मांगना चाहूंगा। हमारी तरफ से जो टर्मिनेशन लेटर आपको इशू हुआ, इट्स बिकॉज ऑफ सम कंफ्यूजन्स एंड मिसकम्युनिकेशंस। आपने आज तक जो कुछ भी इस कंपनी के लिए किया है उसकी हम कद्र करते हैं, और मेरा यकीन मानिए कि हम ना ही आपके आज के साथ ना इंसाफी होने देंगे और ना ही आपके आने वाले कल के साथ। वैसे क्या नाम है आपका?